वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैंने कल देखी फौजी कॉलिंग मूवी, तो कैसा है ये मूवी वही बात करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले एक इंट्रो हो जाए। तो इस मूवी की स्टारकास्ट में है सलमान जोशी, विदिता बाग, विक्रम सिंह। इसकी कहानी कुछ ऐसा है, एक फौजी की फैमिली दिखाया गया है, जो फैमिली में फौजी की माँ, फौजी की वाइफ एंड एक बेटी रहती है। एक दिन वो फौजी वॉर में शहीद हो जाता है, लेकिन जो बेटी है उसको पता नहीं है कि उसके पापा मर चुका है। क्या उसके बेटी को पता चलेगा कि उसके पापा नहीं रहे इस दुनिया में या नहीं? और सलमान जोशी को क्यों पापा पापा बुलाता है इस मूवी में, वो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा क्यों पापा पापा बुलाता है सलमान जोशी को। और जो स्टोरी है मूवी का वो बहुत ही अच्छा है। और इस मूवी में जो गाना है, मुझे एक गाना बहुत ही अच्छा लगा, वो गाना है पीर मेरी पिया जाना, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे सॉन्ग। अब बात करते हैं मूवी के पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी स्टोरी। सेकंड, सब एक्टर का अच्छा एक्टिंग, वो बात करें सलमान जोशी या बात करें विदिता बाग या बात करें विक्रम सिंह, सबका अच्छा एक्टिंग था। और वो बच्चे का तो एक स्मार्ट बच्ची है, बहुत ही अच्छा लगा। और थर्ड, इसका लोकेशन, जिस जिस लोकेशन में शूट किया है मूवी वो बहुत ही अच्छा था। और मुझे तो नहीं लगता इस मूवी में कोई नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, इसलिए मैं नेगेटिव पॉइंट कुछ बताऊंगा नहीं। मुझे लगा नहीं इस मूवी में कोई नेगेटिव पॉइंट है। ये मूवी का लेंथ 2 घंटे के आसपास है, ठीक है, बोर भी नहीं करेगा ये मूवी, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, देखकर मजा आएगा। मैं जब ये ट्रेलर देखा था मुझे तब से लग रहा था कि ये स्टोरी प्रॉमिसिंग होगा, वही हुआ, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। और ये मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 8 out of 10। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय। We'll be right back.